नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी जया प्रदा को चेन्नई की एक कोर्ट में 6 महीने की सजा सुनाई। मामला रोयापेटा स्थित उनके ही एक थिएटर का है, जहां के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस संबंध में जया प्रदा पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जया के इस थिएटर की देखभाल उनके बिजनेस पार्टनर रामकुमार और राजा बाबू करते थे। उनके मैनेजमेंट में थिएटर अपने कर्मचारियों को ESI नहीं दे पाया था, जिसके चलते सभी कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया। हालांकि जया प्रदा ने अदालत से इस मामले को खारिज करने की अपील करते हुए अपने कर्मचारियों को पूरी रकम देने का वादा किया था, लेकिन लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के वकील ने उनकी अपील पर आपत्ति जताई। अब इस मामले में जया प्रदा और उनके इस थिएटर से जुड़े 3 अन्य लोगों को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। सभी को 5,000 रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में जया प्रदा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।